ये माँ आपकी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? दिमागी, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमागी हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हम वृद्धाश्रम में, अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? आई भी हो अभी। तो क्या आप अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम में रख के जा रहे हैं तो क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या सीखेंगे इससे? आपके कल आपके बच्चे, आप कितने बच्चे हैं आपके? ये तो हमारे खाना ही जाने जी, क्या हूँ मैं स्थिति में, मेरी हालत क्या है इस टाइम, मैं क्या हूँ, क्या करूँ? अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ आपकी सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल माले सब किया? फिर अब माँ बूढ़ी हो गई तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं तो आप तो खुद की सगी औलाद हो, आपको तो सेवा करना चाहिए। कल आपका बेटा आपको बाहर निकाले, फिर कल आपकी जो पत्नी कहाँ, आपकी पत्नी कहाँ है? वो चल नहीं पाती, सारे बिना सारे चल नहीं पाती। आपके और दो भाई हैं तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया है। मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने मना कर दिया? हाँ, मैं घर पर ही जोत नहीं है। आप इनके आपके भाई ने मना कर दिया कि माँ को घर लाने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो अलग रहते हैं। नहीं, अलग रहते हैं तो माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना, वो भाई दो लोग मिलकर नहीं कर सकते एक माँ की सेवा? नहीं, वो मना कर दिया उन्होंने। देखो जरा, एक माँ ने तीन बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। और आप अपनी माँ को लेके आगे वृद्धाश्रम कभी सोचा भी नहीं कि आप ये सही करने जा रहे हैं या गलत करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दास अनिरुद्ध तो माँ की सेवा, तीन बेटे आप हैं, चौथा बेटा ये दास बन के सेवा करेगा, हम तो करेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। पर आप अपने हृदय से पूछिए कि आप ये सही कर रहे हैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, ये सही है? पढ़े लिखे तो होंगे आप, क्या ये शोभनीय है? भैया आपसे सवाल है, क्या आप अपनी माँ के साथ न्याय कर रहे हैं? ऐसी भी क्या मजबूरी है क्या आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते? अरे जिस माँ ने आपको अपनी गोद में लिटा करके अपना आंचल का दूध पिलाया है, जिसने आपकी तेल मालिश की है, उंगली पकड़कर आप सबसे पहले अपनी माँ की ही चले होंगे, और आज आप इतने भी कमजोर नहीं है कि आप अपनी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल ना रख पाए? जब हम कमा कमा के 250 माताओं की सेवा कर सकते हैं तो आप अपनी एक माँ की तो सेवा कर सकते हैं, इतना हाथ पांव चल रहे हैं आपके, आप अपाहिज नहीं है क्या? माँ के लिए दो रोटी इस उम्र में नहीं खिला सकते आप? क्या मजबूरी है आप बताइए, आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं? आप माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, याद नहीं आते आपको वो दिन? आप अपनी माँ के बिना, जब आप छोटे थे तो आपकी माँ आपके बिना एक घंटा नहीं रह पाती थी, आप कैसे रह लेंगे अपनी माँ के बिना? कैसे रहेंगे अपनी माँ के बिना इस उम्र में जब माँ बिल्कुल अंतिम पड़ाव में चल रही हैं? कितनी जिंदगी बची है इनकी बताओ, अभी क्या ये 100 साल जिएंगी? इस उम्र में बेटा बहू का प्यार चाहिए होता है, नाती पोतों का प्यार चाहिए होता है, सम्मान की दो रोटी देते जाते तो वहीं से कथा सुन के अपना मैया हम तो रखेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। पर आप अपने हृदय से पूछिए कि कल यही घटना आपके साथ होगी तब आप क्या करेंगे? कल आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम भेजेगा फिर आप क्या करेंगे? और ये होगा क्योंकि ईश्वर के घर देर है, जैसा करते हैं वैसा भोगना पड़ता है। क्या कहना है आपको? एक पीछे वाले बेटे ने कहा है, अगर मेरे को ना तो मुझे फोन करने की जरूरत है और ना मेरे घर पर आने की जरूरत है, मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे आने से। बेटे ने कहा? हाँ जी, पिछले इसके छोटे बच्चे बड़े भाई ने, और कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है, यही है मुझे काम नहीं करता, कार्य नहीं करता, ये सब कुछ नहीं आएगी, इसकी बीवी जावे आप आई जाएगी, तबियत खराब हो रही उसकी। तो उसने पिछले वाले लड़के ने 50,000 रुपये इसकी बीवी के ऊपर लगाए अस्पताल में जगाधरी में, तो उसने कहा मैंने 1,00,000 बोला तेरे पैर पर लगा, तेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था और 50,000 के ऊपर लगा, ATM ले लिया उन्होंने मेरे से, ATM उन्होंने कहते जब तक मेरे पैसे नहीं उतरने के मैं ATM अपने पास रखूँगा, मगर रख ले मुझे किसी का कर्जा नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं उतरने का मैं तेरे से मांगने की भी नहीं। चलिए, आपका क्या निर्णय है, आप छोड़ के जाना चाहते हैं या सेवा करने का विचार है आपका? जैसा आप कहें वैसा हम करेंगे, क्या मन है आपका? छोड़ के जाने का विचार है। छोड़ के जाएंगे? हाँ जी, वो मेरी मजबूरी मुझे पता है। आपकी क्या मजबूरी है बताइए तो सही, शायद हम उसमें आपकी कोई मदद कर सकें। मैं नहीं पता सकता, ये बहुत मजबूरी मेरी, मैं पता नहीं सकता। तो माँ आपको कोई गालियाँ देती हैं, डांटती हैं क्या माँ आपको? आपकी पत्नी से लड़ाई होती है? माँ की झगड़ा होता है, माँ का और पत्नी का आपकी झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है? वो उसको दिमाग में ही नहीं आता ये सास है मेरी,
वो मुझसे ऐसी झगड़ करती है, लड़की से ऐसी बोलती है। तो आपकी पत्नी आपसे भी झगड़ा करती है? हाँ जी, लड़की से भी बोलती है। तो आपकी माँ से भी करती है? उसको ये नहीं पता। तो फिर उसे भी वृद्धाश्रम भेजो ना, उसे अपने संग रखेंगे माँ को वृद्धाश्रम, उनको भी छोड़ देना, हम उनकी भी कर लेंगे सेवा। बस मैं तो दोनों को ले गया हूँ। पत्नी जब आपसे भी लड़ती है और आप समर्थ हैं, समझाओ अपनी पत्नी को। कौन पत्नी नहीं लड़ती सास से, हर घर में सास बहू का झगड़ा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटा माँ का हाथ पकड़े हो ले जाके वृद्धाश्रम में रख दे के लो हमारी पत्नी से तुमने झगड़ा किया इसलिए हमने उठा के तुम्हें भेज दिया। अरे सबके घर में झगड़ा होता है, जहाँ चार बर्तन होते हैं खटापटी चलती रहती है। आपको मारती भी है? तो आपको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, समझा करके और गृहस्थी तालमेल बना के। पुरुष की यही जिम्मेदारी होती है, ऐसी स्थितियों में पुरुषों को यही निर्णय लेना चाहिए कि माँ की भी सेवा करना करते रहें और पत्नी भी ना छूटे, ना माँ छूटे ना पत्नी छूटे। यही सच्ची गृहस्थी है, जहाँ माँ और पत्नी का बैलेंस जो पुरुष बना ले वही श्रेष्ठ गृहस्थी है, और जहाँ बैलेंस ना बना पाया तो यहाँ स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए ठीक है, आपकी अभी मजबूरी है तो आप यहाँ हम रखेंगे, पर पहले घर में ठंडे दिमाग से विचार करना, दो पैसे कमाओ। कमाते हैं, क्या करते हैं आप? मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ 1.5 साल से। तो कुछ काम करिए। पत्नी मेरे बिगर 10 मिनट भी नहीं रह सकती, ना जा सकते कहीं, ना हिल सकती है। आपका बेटा है? लड़की है सिर्फ मेरी। सिर्फ लड़की है? हाँ जी। वो लड़की भी इस लायक नहीं है जो उसको संभाल ले। अगर मैं 15 मिनट कहीं बाहर निकल जाऊँ तो रो रो के। तो जैसे आप अपनी पत्नी को संभालते हैं ऐसे अपनी माँ को भी सेवा कर लेना। जब हम कर रहे हैं सैकड़ों माओं की, तो आप दो की नहीं कर सकते? चलो आप ठीक है, पति धर्म निभा रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरे बिना 10 मिनट भी नहीं रह सकती। तो जब आप इतने अच्छे पति हैं तो जितने अच्छे पति हैं उतने अच्छे पुत्र भी बन जाइए ना, उतने अच्छे पुत्र भी बन जाइए। अब बाकी इच्छा है जो। महाराज जी, मेरे पे काम नहीं होता, मुझे 4 बजे उठ के खाना बनाना पड़े, बर्तन मांजना पड़े, झाड़ू लगानी पड़े, मेरे पे काम होने की व्यवस्था नहीं, मेरे पे खड़ा नहीं हो जाता, मेरा पैर ऑपरेशन हो रखा है, मेरी उम्र काम करने की नहीं है। बिल्कुल नहीं है आपकी उम्र काम करने की। मेरे हाथ पैर कांपते हैं। तो घर का सारा काम इनकी बेटी है वो थोड़ा संभाल लेगी? करता जी, कोई नहीं करता। तो आपकी बेटी आपको पानी भी नहीं देती, आपके साथ नहीं देती, क्यों? कैसी बेटी है? गुरु जी, मैं तो मेरी प्रार्थना है आपसे, अगर कल को मैं मर भी जाती हूँ तो यही मरूँ, मुझे इनको खबर मत देना, इनको तीनों को कोई खबर मत देना, आपके हाथों तो सिंबाई जाऊंगी मैं, मेरा सब। चलो, इन बेटे की मजबूरी बता रहे हैं, पर दो बेटों की तो कोई मजबूरी नहीं। वो भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे ऊपर से मिट्टी मिट्टी बातें करे, अंदर छुरियां जला रहे। जो बेटा कह रहा मेरे घर नहीं आना, मेरे ये फोन नहीं उठाता, नो कहता है कि मेरे मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं, मेरे घर में लड़ाई होती है, तुम मत आओ। पोती ने मुझे घर से निकाल दिया, तो उसी से चली जा। बेटा कह, तू क्यों गई? मैं गई, कहने लगे तो मेरा ATM था इसके पास है। मैंने कहा सिर्फ 2 महीने ATM दूंगी तुझको मैं, ताकि मैं अपने मरने जीने का, मैं जब अपनी जिंदगी काटनी है, जितनी जिंदगी है मुझे भी कुछ करना, मेरा साथ वही से जागा। आपने अपने बेटे को समझाया नहीं कि बेटा कहे तू अगर ATM ले लेगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, अपनी पत्नी को भी जहर दे दूंगा, अपनी लौंडा को भी जहर दे दूंगा। मैं कहा जो मर्जी कर ले, तू जहर दे ले या कुछ कर ले, मैं 2 मिनट ज्यादा तुम्हें ATM नहीं दे सकती। मैं अपना मरना जीना संभालू, मेरे करोड़ों में पैर लटक रहे, मैं पता नहीं किस वक्त मेरी आंख बंद हो जाए, तभी तो करेंगे ये अपना। चलिए ठीक है, अब आप जब आपके बेटे की और आपकी इच्छा है, कोई नहीं है आपकी सेवा करने वाला, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में ही रहिए, और ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, चौथा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। पर यह अच्छा संकेत नहीं है कि आज की औलादें खुद अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम आ जाएं। यह देश के लिए बहुत गंभीर विचार है, चिंतन करने जैसी, कि कल को ऐसे और भी 10-50 बेटे और हो जाएं तो फिर कितनी अव्यवस्था हो जाएगी समाज में। ऐसे बेटे नहीं, 3 बेटे हैं पर एक भी बताओ सेवा करने को तैयार नहीं है। भगवान आपको सद्बुद्धि दें, और सद्बुद्धि के साथ साथ भगवान आपको सेवा करने की शक्ति दें। ये घोर कलयुग चालू हो गया है, जहां देखिए बेटा अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझने को तैयार है। इसलिए आप लोगों से यह दास अनिरुद्ध कहा करता है कि आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से माताओं की सेवा होती है। इसलिए अब इन माँ के बेटे ने जब साथ नहीं दिया तो आप इनके बेटे बनकर साथ जरूर दीजिएगा, आप इनकी बेटी बनकर साथ दीजिएगा, आप इनके अपने बनकर साथ दीजिएगा, क्योंकि ये दास अनिरुद्ध भी आप सबके सहयोग से ही इन वृद्ध माओं की सेवा करता है। और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको कुछ देने के लायक बनाया है विधाता ने, तो इन माओं के लिए। अब ये आश्रम पूरा भरा है, यहाँ पर माताओं के रहने की अभी बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि आश्रम पूरा माताओं से भरा पड़ा है। 260 माताएं हैं, ये 261वीं माता है। अब हमने किराए से ले रखा है एक आश्रम और, जहां पर ऐसी वृद्ध माओं की वहां पर सेवाएं होती हैं। अब जगह नहीं है, पर देखो अब बेटे तो ऐसे हैं छोड़ के चले गए, ना वो सुनने को तैयार हैं,
ना वो समझने को तैयार है, ना वो समझाने पर। अब और कैसे समझाएं बताओ, कैसे समझाएं? यही तो कह सकते हैं कि भाई सेवा करो, माँ की सेवा ही धर्म है, माँ की सेवा से बड़ा कोई ये माँ नहीं है, ये माँ के रूप में भगवान है, ये भगवान की सेवा। बेटे के पास दो ऑप्शन थे, या माँ की सेवा करे या पत्नी की। उसने पत्नी की सेवा चुनी, माँ की सेवा नहीं चुनी। चाहता तो माँ की भी कर लेता। अरे एक आदमी माँ और पत्नी, चलो पत्नी तुम्हारी अपाहिज है तो उसकी भी सेवा करना पति का धर्म है। चलो तुम दो लोगों के क्या बर्तन नहीं धुल सकते? अब कह रहे हो कि हम तो कुछ करते ही नहीं, तो नहीं करते तो सेवा करो। दो एक की कर ही रहे हो तो एक की और कर लेना। लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। इस उम्र में मैया कितनी उम्र है आपकी, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 49 का जन्म है, 1949 का। अच्छा, और वैसे कागजों में मैंने 48 लिख रखा, तो लगभग 72 वर्ष के लगभग होगी मैया, लगभग ज्यादा होगी, ज्यादा होगी 72 से जो भी है। इस उम्र में अब देखो मैया से कोई काम हो ही नहीं सकता। इस उम्र में ना उनसे ठीक से चला जा रहा है, ना उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है। इस उम्र में अब कोई काम नहीं होगा। इस उम्र में इसलिए तीन तीन बच्चे इसलिए पैदा करते थे माँ बाप कि एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीसरा काम आएगा। पर क्या जाना था कि तीनों काम नहीं आएंगे। इसलिए बिहारी जी ने फिर मुझे भेजा है, ये दास अनिरुद्ध को जिम्मेदारी देकर जाओ, इनके जब तीनों बेटे काम ना आए तो चौथे बेटे तुम बनकर सेवा करना। इसलिए ईश्वर ने मुझे चौथे बेटे के रूप में चुना है। आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि नमाओं के निवास रहने के लिए सामने एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, आप लोग एक कमरे का सहयोग जरूर कीजिएगा, ताकि एक कमरे का दान आप करें तो आपके कमरे में ऐसी वृद्ध माएँ रहें। अब सोचिए ये माँ यहाँ रहेंगी और इनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा, कितना पुण्य मिलेगा आप लोगों को। आपकी छाँव में ये माएँ रहेंगी तो एक कमरे का जरूर योगदान दीजिएगा। आप एक कमरे का नहीं तो एक कमरे की छत डलवाइएगा यदि आप इस लायक हैं तो, या फिर आप एक माँ को गोद ले सकते हैं, एक माँ को ऐसी जैसी ये माँ आई है। आप इन माँओं के जीवन भर रहने खाने की व्यवस्था के लिए आपसे जो बन पड़े, जो लायक आपको ईश्वर ने बनाया है, आप जरूर अपने सहयोग के हाथ बढ़ाइए इन बूढ़ी माँओं के लिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद अब इनके अंदर से जो दुआएं निकलेंगी वो दुआएं इस धरती की हर दवा से बड़ी होगी, हर दवा से बड़ी दुआएं होती हैं।